प्यारी बचपन, खूबसूरत सा बचपन, हमने भी कितनी होली खेली है साथ में, खुशी के कितने पल बिताए हैं साथ में। तू देख रही है ना, तू ये खेल अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती। तब हमेशा तेरी से तेरी मनमानी नहीं चलने वाली, तुझे लौटना होगा, तुझे ठीक होना ही पड़ेगा। मैं जानती हूं तू जल्दी ठीक हो जाएगी। मीठी मेरी बात तो सुनिए। चलो ना दीदी, आज होली है, प्लीज आज के दिन तो चलो। नहीं मीठी, आज नहीं, आज घर में। अरे दीदी कुछ नहीं होगा, अगर घर में किसी ने कुछ बोला ना तो मैं कह दूंगी कि बुरा ना मानो, होली है, और सबको रंग लगा दूंगी, बहुत मजा आएगा। आपको पता है मुझे तो होली खेलना बहुत अच्छा लगता है, बचपन में भी कितनी होली खेलती थी। और कान्हा भैया तो बिल्कुल नहीं खेलते थे मेरे साथ, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ तो भर के रंग खेलती थी। और ये जो आपने सफेद साड़ी पहनी है ना, देखना बस एक मिनट में ये लाल नीली पीली मल्टी कलर हो जाएगी। चलो ना दीदी। मीठी आप हमारी बात तो सुन लीजिए प्लीज। मीठी दीदी आज कुछ नहीं सुनना, मुझे पता है आप शर्मा रही है और पति देव से डर रही है ना, लेकिन वो तो मेरे जेठ जी है, आज तो मैं जेठ जी को भी रंग लगा दूंगी। मैं तो आज बहुत एक्साइटेड हूँ, पता है दीदी शादी के बाद हमारी पहली होली है। चलो मेरी बात तो सुनिए मीठी, मेरी बात सुन। किसी भी हालत में हार्ट ट्रांसप्लांट तो करना ही होगा। एक्चुअली मिस्टर राठौर पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारा स्टाफ भी दूसरे अस्पतालों से कोऑर्डिनेट कर रहा है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हार्ट ट्रांसप्लांट कोई आम ऑपरेशन नहीं है, आपको थोड़ा धीरज से काम लेना होगा। अरे पापा क्या कहा डॉक्टर ने, बोलिए ना बड़े पापा, चुप क्यों है? बड़े पापा में बहुत डर लग रहा है, आप चुप मत रहिए, हाँ ठीक हो जाएगी ना। बेटे बेटे डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। प्लीज प्लीज इसे बचा लीजिए।
देखिए, इसने मेरी बेटी की जान बचाई है। अच्छा ठीक है, जल्दी से डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। हाँ चलिए प्लीज, जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। बताऊं आपको, ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ। मेरी बच्ची लॉरी के नीचे आ रही थी कि किस औरत ने उसे बचा लिया, लेकिन पता नहीं ये खुद कैसे लॉरी के नीचे आ गई। घबराओ नहीं बेटा, तुमने किसी और की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाई है ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ मुनानी। हाँ हाँ बेटा, आपके हाथ में खून। खून? उस बच्ची ने ऐसे हाथ पकड़ा जैसे मैं ही उसकी माँ हूं। पता नहीं क्या होगा उसके घर वालों का। मुक्ता बेटा, तू क्यों डर रही है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। हा? अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? जाइए डॉक्टर साहब को बुलाइए। अब देख रहे हैं ना बेचारे कितना खून से लथपथ है। जाइए आप लोग। मैडम ये एक्सीडेंट का केस है, पहले हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, डॉक्टर साहब आएंगे, उसके बाद ही हम इनको अंदर लेकर जा सकते हैं। देखिए आपने थोड़ी सी भी देरी कर दी तो इसकी जान जा सकती है। इसके लिए एक एक पल कीमती है और आपको आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है। मैडम ये हॉस्पिटल है, यहाँ जो कोई भी आता है इसी हालत में होते हैं, और कायदे कानून भी है ना हमारे। एक मिनट। किस कायदे कानून की बात कर रही हैं आप? क्या आपने सुना नहीं, इनकी बच्ची की जान को बचाने के लिए इस लड़की ने अपनी जान को दांव पर लगा दिया एक अजनबी के लिए, और आप इतनी तनाव से खड़े होकर कायदे कानून की बात कर रही हैं? ऐसे बात कर रही जैसे इसे खांसी जुकाम हो गया है। ठाकुर साहब क्या बात है, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? ये आईसीयू एरिया है। I'm sorry डॉक्टर साहब, लेकिन इनकी बच्ची की जान बचाने के लिए इस लड़की ने अपनी जान को दांव पर लगा लिया, और ये फॉर्मेलिटीज की बात कर रही है। इतना खून बह रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके घर वाले यहां नहीं है। अरे ये भी किसी की बेटी हो सकती है। आप शांत रहिए, मैं देखता हूं। सिस्टर पेशेंट को फौरन आईसीयू लेकर चलो, और डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर त्रिपाठी को फौरन बुलाओ। जी डॉक्टर। धन्यवाद भाई साहब, हो सकता है शायद आपका इस औरत के साथ कोई पिछले जन्म का नाता है। सुरभि मुक्ता के साथ जरा रहो। बहन जी वो उसके घर वालों को किसी ने बताया? पता नहीं अब
हॉस्पिटल वालों से ही कहती हूँ, और तो कोई रास्ता नहीं है। भगवान उसकी रक्षा करे। चलो ना दीदी, जल्दी चलो, होली खेलेंगे। जी मेरी बात तो सुनिए। बहुत मजा आएगा, सबको रंग लगाएंगे। दीदी आप कितना डरती हो। विष्णु विष्णु चलो ना होली खेलते। आज तो मैया को भी रंग लगाऊंगी। भौरिया मैया, हम बताने वाले थे पर विष्णु ये सब क्या है? विष्णु बताया नहीं, हमार घर में कोई होली नहीं खेला। माफ कीजिए मां, दरअसल गलती मेरी है। मैंने सुबह मीठी को सोते देखा तो सोचा कि उसे पार। अरे बिटवा, अगर बहुरिया नहीं जानत है तो क्या हुआ? लेकिन तू तो जानत है ना ये घर की रिवाज अच्छी तरह से, कि यहाँ औरत पति के सोने के बाद सोत है और सुबह पति के उठने से पहले स्नान करके तैयार हो जाते है। हमें क्षमा करना, ये त्योहार शादी के बाद पहली होली है, पर हमार घर में कोई होली ना ही खेलत। हमार पति की बरसी होत है होली के दिन, सॉरी मैया, वो मुझे पता नहीं था। कोनो बात नहीं, जा ढंग के कपड़े पहन करा। बाहर पास सफेद साड़ी तो है ना, नहीं तो कचरी दे देगी। जल्दी तैयार होके आ जा, रसोई में बहुत काम है आज। जी मैं अभी चेंज करके आती हूँ। हमार जिंदगी से होली छीनी तोहार मैया ने, अब तेरी जिंदगी से हर रंग हम छीनेंगे। अब तू भी तरसेगी होली के रंगों के लिए जिंदगी भर। ए कजरी, पूजा में बैठना नहीं है का? जी ठाकुरानी को बता दें, वो डॉक्टर साहब ने जो कहा बेबी जी के बारे में। बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, पर कुछ देर और इंतजार करते हैं। शायद कुछ अच्छा हो जाए। पापा, क्या हुआ पापा? रविंदर बेटे, खून का क्या हुआ? अभी अरेंज करके आया हूँ ठाकुर साहब।
15 काउंट्स पहुंचा दिए हॉस्पिटल में, और दिल्ली में डॉक्टर मूर्ति हैं, ही सपोज्ड टू बी द बेस्ट, उनसे बात की है। हमारे देश में जितनी भी सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरीज हुई हैं उन्होंने ही की हैं। वो यहां आते होंगे दो घंटे। हार्ट ट्रांसप्लांट? पर कल रात को तो फोन आया था कि वो ठीक है। हाँ, फिर अचानक उनकी तबीयत, अब डॉक्टर्स की राय है कि ये आखिरी यही रास्ता है। अम्मो, इच्छा को इसके बारे में पता है? हाँ, इच्छा को पता है, पर तो इच्छा है कहाँ? मैं उसका फोन ट्राई कर रहा था, वो जवाब ही नहीं दे रही थी। की बहुत सकते में है, उसे बेबी जी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, और तुम तो जानते हो ना, उसे गई होगी कहीं यहीं पास में अकेले बैठने। मैंने उसे कहा था दूर मत जाना। रामनी, इस बात को तो काफी वक्त हो गया, नहीं हूं। सब आती होगी। मैंने कहा था उसे दूर मत जाना। हाँ, आप तो जानते हो उसे, अपना दुख किसी से बांटती नहीं है वो। बैठी होगी कहीं अकेले। वीर, जरा जाकर देखे ना, इच्छा यही कहीं पास में होगी। हाँ जी अम्मा, मैं भी देखता।